आजा उठ जा उठ जा उठ जा। अरे ये आपसे कुछ कि उसके लिए क्या? और आज खाने में क्या है? आलू का पराठा है, प्याज है, मिर्ची है, मिक्स अचार है, साथ में वो आलू जो भर रहा है वो। कैसे है आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग पे। तो अभी मॉर्निंग ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकले हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी नाश्ता का भी टाइम हो गया है, 9 बज रहा है, नाश्ता करते हैं। हमको अपना बेटी का आवाज़ सुनाई दे रहा है कि मेरे लिए इंतजार कर रही है ये हमको बालकनी से। हाँ गोदी गोदी। अरे ले ले आजा उठ जा उठ जा उठ जा। लेते लेते गोदी आजा। और ये भी आ गया। आजा 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 आजा। लाए है तुम्हारे लिए? हाँ लाए है। फिर से तुम्हारा बॉडी हो गया, दिखाओ। क्या खाया आज तुम? क्या खाया? भात और अंडा। अच्छा ठीक है, देखते लड़ेंगे कौन जीतता है। ठीक अच्छा तुम अरे क्या बोल रही है? अरे देखो गोदी चल गई, वो मांग रही है आपसे कुछ कि उसके लिए क्या लेके आए हैं। कितना खुश हो गई। लाया है बेटा, लाया है पापा, लाए आपके लिए बेटा, लाए है। झूठ मत करो ना। चलो देते हैं। ताता कितना खुश हो गई। रो रही है वो। हाँ दीजिए। वाओ क्या लेके आया अरे पापा के लिए शिवम। देखो 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 चलो 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 चलो। खुश हो गए दीसा? बाप रे बाप कितना खुश। और शिवम आपके लिए क्या लेके आया पापा? किंडल जॉय। अरे वाह खाएगी। तो अभी हम बाबू का जॉनसन बेबी शैम्पू लगाएंगे। दुकान गए थे लेकिन हम शैम्पू लाना ही भूल गया। 3 दिन से शैम्पू नहीं किए है, बाल गए एकदम लट्ठा लट्ठा हालत हो गया। क्या करें, शैम्पू नहीं था। चलिए आज इसी से काम चलाते हैं। शाम हो गया है, वक्त है अभी शाम की चाय का। और संतोषी यहाँ पे चाय बना रही है। क्या कर रही है तू? चुरा के अचार खा रही है। देखिए कैसा है। ठीक है आज रात को पराठा के साथ अचार खाया जाएगा। आज ही लेके आया है, तुम्हारा चाय उबल रहा है। दोनों बच्चा सो के उठा है तो दोनों चिड़चिड़ा हो गया है। कुछ देर इन लोगों को मूड सेट होने में टाइम लगेगा। यहाँ पूरा गुस्सा में बैठी है अभी। दीवी दीवी गुड्डिया शिवम को। हाँ वेरी गुड शिवम। वो मिस टू मैम है ना मैथ का, वो बोली क्या वेरी नाइस शिवम, वेल डन बेटा। हाँ पूरे लिख के दिखाया है। तुम पूरा लिख दिया बेटा शिवम? हाँ। सब कुछ लिख के दिखा दिया था मैडम को? पूरे पढ़ के सुनाया, बोलता थैंक यू मैम। तो बोला वेलकम, यू आर वेलकम। तो आज रात को क्या बनेगा संतोषी? खाना आलू का पराठा बनाएंगे। वेरी गुड। वही अचार के साथ? तुम क्या खा रहा है? सुन पापड़ी। और वो बदमाश वहाँ पे मोबाइल में बिजी है। रूटीन पे बाबू को दूध पिलाते हुए इधर कुकर में जो है आलू बैठ गया है। आज आलू का पापा पापा चिल्ला रही है। बोलो पापा बोलो।
पापा बोलो। तो अभी बाबू का जो कुछ बचा हुआ प्रोजेक्ट है उसको आज कंप्लीट करने का सोच रहे हैं कि आज कंप्लीट कर दे। और आज खाने में क्या है, आलू का पराठा है, प्याज है, मिर्ची है, मिक्स अचार है, साथ में वो आलू जो भर रहा है वो है, चटनी है, और कल रात का बचा हुआ फ्रिज में रखा हुआ पनीर है, पनीर नहीं भी चलेगा आलू पराठा के साथ। तो आज गजब है, आज खाने में मज़ा आ जाएगा। सोई है दीदी। Tomorrow. तो अभी जस्ट पहुँचे हैं नाइट ड्यूटी ख़त्म करके, मुंह हाथ ब्रश धो करके फ्रेश हो चुके हैं, और बेटी मेरी अभी भी सोई हुई है, शिवम उठ चुका है उस घर में कुछ नाश्ता कर रहा है, और हम भी अभी चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार छत का राउंड मार लेते हैं। और नीचे में वहाँ मछली वाला आया हुआ है। अभी तो बादल थोड़ा बहुत ढका हुआ है, लेकिन उमस भरा दिन है, तो आज का दिन गर्म होगा। उस क्वार्टर में अभी तक बल्ब जल रहा है, इस टंकी से रोज पानी इसी तरीके से बर्बाद होता है। आज दिन भर का काम मेरा बस इतना ही है कि अभी जो भी सब्जी वगैरह लाना है हमको बाज़ार से ले आना है, और उसके बाद फिर दिन आराम करना है, फिर रात में नाइट ड्यूटी है, और फिर रेस्ट है। चलिए फिर नीचे चला जाए, चाय वाय पिया जाए। घर में वायरिंग का काम हो रहा था, अभी भी सामान वामान इसी तरह से बिखरा पड़ा है, अभी तक बेल लगाया नहीं है। उसी यहाँ पे पोछा मारने ख़त्म हो गया, ठीक है, याद दिला देना, अभी मार्केट जाएंगे तो ले जाएंगे। देवी सा अभी भी सोई भी है। अरे बाप रे बाप, चलो सोने दो, उसका नींद पूरा होगा तो ठीक रहेगा, नींद पूरा नहीं होता है तो पूरा बदमाशी करती है। तुलसी जी बड़ा होते जा रहा है, बड़ा बोले बड़ी बोले। कल रात में हम प्रोजेक्ट को भी बना रहे थे तो उसका मम्मी कलर कर दिया है, देखे जरा हुआ है। हाँ अच्छा हुआ है, ये वाला पता नहीं चला ये कलर में, इसलिए हम इधर नहीं बनाए। फिर ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें सबसे अच्छा हमको गाजर लग रहा है। और ये वाला, ये वाला कद्दू है ना, बैगन है, ऐसे तो कद्दू बनाए हैं लेकिन लग रहा है बैगन जैसा। कद्दू है, कद्दू कद्दू लोटी है, तो लोटी होता है तो। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी दिविशा सोई भी है ना, अभी अगर टीवी चलाएंगे ना तो कार्टून का आवाज़ से दिविशा उठ जाएगी। दिविशा को उठने दो, उसके बाद कार्टून लगा देंगे, ठीक है। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, अब तो दिवी उठ जाएगी, बस उठने वाली है, उठने वाला क्या है। दूध वाला एकदम ठगता है, देखिए तो इसमें 2 किलो से ज्यादा दूध, 1.5 किलो से ज्यादा दूध का है, देखिए कितना, इतनी तो मलाई उठा है, इतना पतला दूध देता है। उसको एक बार तुम अपना घर से गाय का ओरिजिनल दूध दिखा देना, फिर बोलना कि देखिए कैसा होता ओरिजिनल दूध। और देखिए किसका दम है, तुम तो अभी सन पापड़ी खाया ना हमसे, तो संतुष्टि के लिए लाया है, वो हमको बहुत दिन से बोल रही थी। हालांकि ये सिंधु विंदु लाने का बहुत सारा नियम है, सुहागन खुद से खरीद नहीं सकती है, और पति बिना बोले लाए जाना चाहिए। तो चलिए आज हमको याद था, हम लेके आए हैं तो यहाँ रख देते, वो नहा के आएगी, वहाँ रख दिए हैं, देखते उसका क्या रिएक्शन होता है। राहुल दीदी देख पापा आपके लिए क्या लेके आया, यहाँ लगाएगी ना, चूल में लगाएगी ना दीदी, चॉकलेट खाना है ऐसा को। जा जा आईना में मुँह धो लो, ये मुँह पोछ लो। देखो इधर देखो, सिंदूर।
3 hours later. तो हमने अभी अभी अपना खाना खत्म किया है और संतुष्टि खा रही है और आज हम बाजार से एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आए हैं. तो उसको स्पेशल चीज ये है पपीता. अब पपीता में स्पेशल क्या है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो है गाज का पका हुआ. चलिए इसको काटते हैं. कट चुका है और गलावा बहुत था. सही बोले तो हमको काटने भी नहीं आता है. थोड़ा देर फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तब खाने में अच्छा लगेगा. यार कहाँ रखे, A few moments later. पपीता का आनंद लेते हैं और यहाँ संतोषी जी हवा उग रहा है, लाइट चला गया है, दोनों बच्चा उठ गया है, शिवम तो सोया हुआ है, उठ गई है. चलिए तो हम खाते हैं पपीता. मीठा है. तो अभी शाम पे छत पे आ गए घूमने के लिए. निशा पापा बोल तो पापा. तो अभी रात के 8:30 बजने वाले हैं और ये बदमाशी कर रही है. उधर संतोषी खाना की तैयारी कर रही है. रोटी बन गया है, दिन का ही सब्जी होगा. और बस खाना पीना खा के अब थोड़ा देर में निकलेंगे ऑफिस. आज नाइट ड्यूटी है और उसके बाद फिर एक दिन का रेस्ट होगा. तो अभी रोटी बन रहा है, रोटी खा करके हम जाएंगे ऑफिस. तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.